नहीं लग रहा है। और सर आप भी शायद कुछ लेट हैं, एक महीना होगा प्रसाद तो ही यार, फिर पार्लियामेंट छोड़े हूँ लेट है या तो अच्छा डीसी किन्ने भेजा था। ये खीज है सांसद महोदय की। पत्रकार का एक सवाल सांसद रमेश कौशिक को ऐसा चुभा कि उनके जवाब देने के अंदाज में अचानक सख्ती आ गई, और सख्ती भी ऐसी कि मानो फसल गंवा चुके किसानों का हाल जानकर वो कोई एहसान कर रहे हों। पूरा किस्सा बाद में सुनाएंगे, पहले जरा फिर से सुनिए सांसद रमेश कौशिक की हाजिर जवाबी का नमूना। सर आपको नहीं लगता इससे पहले ओएसडी भूपेंद्र सिंह भी आए थे, बोल के कहते हैं पानी जल्दी निकाल दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं आया। इसके बाद डीसी साहब की भी दो तीन दौरे हैं, लेकिन पानी आज तक नहीं लग रहा है। और सर आप भी शायद कुछ लेट हैं, एक महीना होगा प्रसाद तो ही यार, फिर पार्लियामेंट छोड़े हूँ लेट है या तो अच्छा डीसी किन्ने भेजा था। मैंने फोन करा, कह दिया 50 साल में हल नहीं हो लिया, आज हम इसका हल करने की सोच। किसानों ने भी कल भी यहाँ पर रोड रोका था इसी बात को लेके, पानी निकाला जा रहा है। वो पानी निकलवा देंगे, विपक्ष वाले थे जिन्होंने, विपक्ष ने पहले क्यों ना रोक दिया, इतने साल पहले 60-70 साल हो गए, इनका कोई हल निकाल रहा, हम हल निकालने की सोच तो रहे हैं। कल पार्लियामेंट खत्म हुई, आज मार लिया। रमेश कौशिक सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। जुलाना के कई गांव में बीते दिनों बरसात का पानी जमा हो गया, किसानों की खड़ी फसल तबाह हो गई, और अब सांसद महोदय गांव का दौरा करने जा रहे हैं। मगर दौरा करने में देर क्यों हुई, ये सवाल जब पूछा गया तो वो मीडिया वालों पर ही भड़क गए। आज तक नहीं लग रहा है। और सर आप भी शायद कुछ लेट हैं, एक महीना होगा प्रसाद तो ही यार, फिर पार्लियामेंट छोड़े हूँ लेट है या तो अच्छा डीसी किन्ने भेजा था। रमेश कौशिक अब जलभराव ग्रस्त गांव का दौरा करेंगे, फसल खो चुके और नुकसान झेल रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। हालांकि किसानों से मुलाकात कर राजनीति चमकाने की प्रथा कोई नई तो नहीं है, और ऐसे में कोई मीडिया वाला अगर तीखा सवाल दाग दे तो सांसद महोदय का खींच जाना तो बनता ही है। जुलाना से विजेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी।